सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज अपन लोग बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के बारे में। तो हंटर 350 ना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली अगर आप लोगों की हाइट कम है तो आप लोग इसके बाइक के ऊपर ना इजीली जा सकते हो, इसको एज अ ऑप्शन प्रीफर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा ओवरऑल पैकेज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, कलर ऑप्शन भी काफ़ी सारे हैं। टोटल 8 कलर ऑप्शन में आप लोगों को हंटर अवेलेबल रहने वाली है, और प्लस 2 वेरियंट में मेट्रो और रेट्रो। ये अपना रहने वाला है मेट्रो, और इसके अलावा एक रहता है रेट्रो, उसमें रहते हैं 2 कलर ऑप्शन, और मेट्रो में रहने वाले हैं अपने टोटल 6 कलर ऑप्शन। तो कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी, प्लस एक ओवरऑल पैकेज अगर अपन देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा आप लोगों को ऑप्शन ये वाली बाइक रहने वाली है। टायर्स का जो सेटअप है ये भी काफ़ी अच्छा आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पर मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो हंटर के बारे में। तो हंटर में आप लोगों को इस टाइप से यहाँ पर इग्निशन रहने वाला है, प्लस जो MID है ये आप लोगों को एसिमेट्रिक कह सकते हो उसको, मिडल में ना होकर कि एक साइड में आप लोगों को मिलने वाला है। इग्निशन अपन ऑन करते हैं तो इस टाइप से अपना पार्किंग लैंप ऑन होने वाला है, और पूरा लाइटिंग सेटअप ओवरऑल अपना रहने वाला है हैलोजन में। LED का यूज़ आप लोगों को यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। इस टाइप से अपना फ्रंट मडगार्ड रहने वाला है, फाइबर में ही सारा कुछ रहेगा। टैंक अपना जो है वो मेटल में है। फ्रंट ब्रेकिंग अगर अपन देखें ना, तो फ्रंट आप लोगों को डिस्क जो है ये रहने वाला है 300 mm का, तो काफ़ी अच्छे खासे साइज़ का आप लोगों को यहाँ पर डिस्क का सेटअप भी रहने वाला है। फ्रंट भी और रियर भी काफ़ी अच्छा सेटअप रहेगा। 41 mm का अपने को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप मिलने वाला है। इस टाइप से यहाँ पर रबर में कवरिंग भी मिल जाएगी, जो कि ऑयल सील की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ब्रेकिंग पे कोई भी मार्किंग यहाँ पर किस ब्रांड का ब्रेकिंग अपने को मिल रहा है वो अवेलेबल नहीं है, रियर में भी और फ्रंट में भी, पर हो सकता है ये बाइब्री का ही हो। यहाँ पर ये अपना वायर आ रहा है ABS का, तो ABS भी आप लोगों को यहाँ पर ड्यूल चैनल मिलने वाला है। उसके साथ साथ 300 mm की फ्रंट डिस्क मिल जाती है। टायर्स के सेटअप की बात करें तो फ्रंट टायर आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ये रहा इस टाइप का पैटर्न है। प्लस जो इसकी ग्रेडिंग है, जो विड्थ है, ये भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 110 सेक्शन का अपने का फ्रंट मिलने वाला है, 110/70/17, तो काफ़ी अच्छा आप लोगों को टायर का भी सेटअप रहने वाला है। प्लस जो सस्पेंशन सेटअप है ये भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इंडिकेटर्स का सेटअप अपना कुछ इस टाइप से है, ऑरेंज में रहने वाले हैं, पर आफ्टर मार्केट यानी कि एसेसरीज में ही आप लोगों को कंपनी से ही एक पूरा इसका सेटअप मिलने वाला है, जिसमें कि आप लोग व्हाइट वाले, क्लियर वाले और LED में इंडिकेटर्स लगवा सकते हो। साइड प्रोफाइल देखें बाइक की, तो साइड प्रोफाइल से बाइक काफ़ी कॉम्पैक्ट आप लोगों को फील होगी, स्पेशली जो एक साइज़ है वो कार बाइक का आप लोगों को थोड़ा सा छोटा फील आने वाला है। सीट हाइट भी कोई ज़्यादा नहीं है, 800 mm की टोटल अपने को यहाँ पर सीट हाइट मिलने वाली है। सीट कुशनिंग देखें तो काफ़ी सॉफ्ट अपने को सीट भी मिलने वाली है, प्लस साइज़ जो है सीट का वो भी काफ़ी अच्छा है, और उसके साथ साथ जो एक बाइक का थीम है ना उसके साथ सीट प्रॉपर आप लोगों को जा रही है। रियर से देख लेते हैं तो रियर लुक कुछ इस टाइप का है, नंबर प्लेट वाला जो अपना बल्ब है ये रहने वाला है LED में। ये है अपना टेल टाइडी वाला यूनिट, और रियर मडगार्ड जो है ये भी अपना फाइबर में ही रहने वाला है। LED में अपना टेल लैंप भी रहने वाला है, तो ये भी ना ऑन होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों को। इस टाइप से अपना इंडिकेटर का सेटअप रह जाता है, और यहाँ पर अपने को हजार्ड भी मिलने वाला है, वो भी ऑन करके अपन देख लेते हैं। 270 mm का रियर डिस्क है भाई, काफ़ी सारी बाइक्स में ना रियर अपना फ्रंट डिस्क भी 270 का नहीं होता, यहाँ पर अपने को रियर भी 270 mm का मिल रहा है। उसके साथ साथ रियर टायर अगर अपन देखें तो 140/70/17, 17 ही फ्रंट था, 17 ही रियर है, 140 रियर है, 110 अपना फ्रंट था, तो काफ़ी अच्छा टायर का सेटअप इस वजह से आप लोगों को मैं कह रहा हूँ। और टायर का पैटर्न अपना कुछ इस टाइप का है, यहाँ पर अपना रिफ्लेक्टर आ जाता है, यहाँ अपनी नंबर प्लेट की फेसिंग आनी है। ग्रेबरेल्स देखें तो स्प्लिट में आप लोगों को यहाँ पर 2 ग्रेबरेल्स मिल जाते हैं। रॉयल इनफील्ड की पूरी ब्रांडिंग अपने को सीट पे भी मिलने वाली है। अपोजिट साइड पे देखें तो एक रॉयल इनफील्ड हंटर 350 का आप लोगों को दोनों ही साइड पे स्टिकर इस टाइप से साइड पैनल पे मिलने वाला है। साइड पे अपने रियर में जो सस्पेंशन सेटअप है वो आप लोगों को ड्यूल स्प्रिंग वाला ही रहने वाला है, हाइड्रोलिक वाला। चेन का सेटअप पूरा ओपन वाला ही है, इस टाइप से कवर मिल जाता है। एक साड़ी गार्ड अपने को मिल जाता है, जो कि इस कैटेगरी की बाइक के साथ ईजिली जाता है। 5-speed अपने को गियरबॉक्स मिलने वाला है, जैसा कि सारा रॉयल इनफील्ड की बाइक्स में आता ही है। 350cc वाले में वह वाला सेटअप यहाँ पर भी रहेगा। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ भी मिल जाता है, प्लस सेंटर स्टैंड भी अपने को यहाँ पर मिलने वाला है, जिससे कि बाइक की प्रैक्टिकलिटी आप लोगों को पूरा पूरा मिलने वाला है। इंजन का शेप अपोजिट साइड से कुछ ऐसा, और मैट ब्लैक में पूरा इसका टेक्सचर आप लोगों को रहने वाला है। ये वाला पार्ट भी ना इसमें आप लोगों को मेटल में ही मिलेगा, जिस फिनिश में अपना ये है उसी फिनिशिंग में आप लोगों को जो मटेरियल यूज़ है वो ये वाला भी रहने वाला है। टैंक पे देख लेते हैं तो टैंक अपने को मिलने वाला है तो मेटल में प्रॉपर स्टिकरिंग के साथ। एक इस टाइप से आप लोगों को यहाँ पर स्टिकरिंग का काम मिल जाता है, प्लस रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग आप लोगों को फ्रंट में भी मिल जाती है। क्रोम में अपना जो फ्यूल का कैप है ये रहने वाला है कवरिंग के साथ की होल पे, और टोटल 13 लीटर का यहाँ पर अपने को फ्यूल टैंक रहने वाला है। 13 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक है, तो एक कह सकते हो सफिशेंट आप लोगों को ये भी रहने वाला है। MID देख लेते हैं पहले, तो MID का स्टार्टअप देख लेते हैं। तो MID का स्टार्टअप ना कुछ इस टाइप का आ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर भी मिलने वाली है। गियर इंडिकेटर भी मिल जाता है, ट्रिप FRI, ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F इस टाइप से मिल जाता है। क्लॉक आ जाता है, ऑडोमीटर अपने को मिल ही जाएगा, उसके साथ साथ डिजिटल में ही अपना फ्यूल गेज आ जाता है। 160 तक मार्किंग है, स्पीडोमीटर अपना रहने वाला है एनालॉग में,
और नीचे सारी वार्निंग लाइट्स अपने को मिल जाती है। 160 तक मार्किंग है, कंपनीज की क्लेम करती है टॉप स्पीड 114 114 किलोमीटर की जो एक टॉप स्पीड इसकी क्लेम करती है, पर भाई 120 अबव ये बाइक जाती है। काफ़ी सारे लोगों का ये एक ओनर्स से पूछा हुआ, ये आप लोगों को मैं एक नंबर दे रहा हूँ, 120 ईजिली ये बाइक क्रॉस करती है। इस टाइप से अपना पूरा हैंडल बार का सेटअप रहने वाला है। की अपनी कुछ ऐसी है रॉयल इनफील्ड का, जो एक नया वाला पूरा थीम आया है ब्लैक और वाइट वाला, वो अपने को यहाँ पर मिल जाता है। स्विचेस देख लेते हैं, तो एक तो अपने को यहाँ पर एक स्विच मिलता है आई बटन, जिससे कि अपना MID में सारा सेटअप चेंज होता है। यह आ गया अपना ऑटोमेटेड ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, वही वाला सेटअप सारा है। प्लस जो अपना स्विचेज हैं अपना हाई बीम लो बीम के, और प्लस स्टार्टर जो है ये आप लोगों को इस टाइप से एक विंटेज फील पूरा देने के लिए रॉयल इनफील्ड सिंस 1901 इस टाइप से मिलने वाला है। यहाँ पर हाई बीम लो बीम प्लस इसी से आप लोगों को यहाँ पर पास भी रहने वाला है। तो ये 3-in-1 एक स्विच आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है इंडिकेटर, इस टाइप से सिंगल बजर में काफ़ी लाउड हॉर्न भी आ जाता है। और उसके साथ साथ जो अपना रियर व्यू मिरर्स हैं ये आप लोगों को वैसे ही हैं जैसा कि क्लासिक वगैरह पे चले आ रहे हैं हमेशा से, वही वाला सेटअप यहाँ पर भी रहने वाला है। राइट साइड पे देख लेते हैं, तो एक अपने को 3-in-1 में किल स्विच प्लस स्टार्टर यहाँ आ जाता है, एक अपने को हजार्ड भी मिल जाता है। इस टाइप से ग्रिप्स कवर हैं और ये कर्व वाला पूरा जो फील है जैसा कि मेट्योर में भी आता है, नए वाले क्लासिक में भी आता है, वही अपने को यहाँ पर भी मिलने वाला है। लीवर जो है ये भी आप लोगों को थोड़े से वाइड देखने को मिलने वाले हैं, और इस कलर थीम के साथ ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि मैट ब्लैक में पूरा सेटअप आ रहा है। हजार्ड ऑन होने के बाद लुक कुछ ऐसा है। इग्निशन के साथ अपना सिर्फ पार्किंग ऑन रहेगा, बाइक स्टार्ट होने पर आपका हेडलैम्प ऑन हो जाएगा। पर भाई बाइक का जो फ्रंट है देखेंगे ना, तो टायर का जो ग्रेडिंग है 110 सेक्शन का ये टायर है, इसकी वजह से ना इसका फ्रंट काफ़ी इनहेंस होता है, और एक कह सकते हो मिनी इंटरसेप्टर कॉन्टिनेंटल वाला लुक ना इस बाइक के साथ आता है। और जो एक इसमें एसेसरीज का पार्ट है ना, छोटा सा एक विंडस्क्रीन आता है ब्लैक कलर में, उसको लगाने के बाद प्लस बार एंड जो मिरर आते हैं उसको लगाने के बाद भाई पूरा एक छोटा इंटरसेप्टर वाला आप लोगों को यहाँ पर फील आएगा। अब देख लेते हैं बाइक का जो अपने को फ्रेम मिलता है, जिसकी वजह से ना वाइब्रेशंस रॉयल इनफील्ड में से ना के बराबर, एक तरह से कह सकते हो जिन भी बाइक्स में ये वाला फ्रेम है ना ट्विन डाउन ट्यूब, तो इसके अंदर ना एक ना के बराबर आप लोगों को वाइब्रेशन मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत इसके साथ नहीं होने वाली। इंजन का टेक्सचर अपोजिट साइड से कुछ ऐसा है, प्लस जो एक अपना ब्रेक लीवर है ये आप लोगों को रहने वाला है ओपन टूथ वाला, तो ये काफ़ी अच्छा है। प्लस जो अपने फुटपैक्स हैं इसके भी आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शन कंपनी से ही मिलने वाले हैं एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज। रॉयल एनफील्ड की पूरी ब्रांडिंग अपने को यहाँ पर भी है। रियर वाला प्रॉपर एडजस्टेबल है, राइडर वाला स्प्रिंग वाला ही रहने वाला, और काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज का अपने को यहाँ पर एग्जॉस्ट भी मिलने वाला है विथ अपना मेटल हीट शील्ड, तो ये भी काफ़ी अच्छा सेटअप रहने वाला है। और पैनल खोलने के लिए की होल अपने को यहाँ पर मिल जाता है। स्टॉप कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट और सुना देते हैं आप लोगों को किस टाइप का अपने को एग्जॉस्ट साउंड यहाँ से मिलने वाला है। तो स्टार्टर के लिए भी आप लोगों का यही वाला स्विच काम में आना है, इस टाइप से इसको आगे पुश करना है और अपनी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट पे है, एक बार नॉर्मल होने देते हैं। हेडलैम्प ऑन होने के बाद लुक कुछ इस टाइप का है। तो ये है LED, आप लोग रिप्लेस करवा करके आफ्टर मार्केट से लगवा सकते हो, वो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। तो बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की, कि क्या आप लोगों का यहाँ पर पावर आउटपुट रहने वाला है। तो 349.3 सीसी का यहाँ पर एयर और ऑयल कूल्ड अपने को इंजन मिलने वाला है 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। पावर की बात करें तो 20.2 bhp का पावर है और 27 Nm का टॉर्क रहने वाला है। टॉप स्पीड की बात अपनी हो ही चुकी है, माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है वो रहने वाला है 35 से 40, और इजीली बाइक इतना दे के जाएगी, कोई इशू होने वाला नहीं है। बाइक का जो टोटल वेट है वो रहने वाला है 181 kg। अब बात कर लेते हैं भाई प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग एक थोड़ा सा मेन इशू रहता है सभी के लिए बाइक चूज़ करते हुए, बजट का इशू सबके साथ रहता है। तो हंटर आप लोगों को मेट्रो वाला वेरिएंट ये वाला कलर कॉस्ट करने वाला है 2,03,000 कह रहा हूँ, तो 2,03,000 में आप लोगों को ये वाला कलर कॉस्ट करने वाला है। कलर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को प्राइस में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, पर ज़्यादा नहीं है, 1,500 रुपये का आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये हुआ भाई अपना पूरा वीडियो कंप्लीट। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लेना। करते अपना ये वाला वीडियो एंड, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।